हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस की तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आऊं जो कल इंट्राडे मार्केट में आपको जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो का। आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया बजाज ऑटो ने अपने इंट्राडे मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, लगभग 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक 3675 रुपए पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो करीबन 536,000 क्वांटिटी का हमें वॉल्यूम भी देखने को मिला था स्टॉक में। अब शुरुआत होती है स्टॉक की दोस्तों, प्रीवियस क्लोज 3624 रुपए का था, शानदार गैप ओपनिंग लिया दोस्तों 3644 रुपए का, हाई लगाया 3695 का और लो लगाया 3608 रुपए का। देखा जाए तो स्टॉक में बहुत अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला। उसके साथ ही स्टॉक का डिलीवरी पैटर्न अगर हम देखते हैं तो लगभग 50% का डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब दोस्तों इतनी क्वांटिटी उठाई गई है, मतलब दोस्तों नेक्स्ट डे जो है वो वॉल्यूम स्टॉक में ज़्यादा बनते हमें देखने को मिलेगा। मतलब खरीदारी स्टॉक में बहुत अच्छी हो रही है और मार्केट अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहता है तो स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट पे चल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज ऑटो के चार्ट पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ये आज का 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखते हैं मोमेंटम किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें आज का परफॉर्मेंस स्टॉक का, ठीक है, तो स्टॉक दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन होता है, मतलब दोस्तों स्टॉक जिस प्रकार से अपना फर्स्ट कैंडल बनाता है उस प्रकार से ऐसा लगता है कि स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आता है 3670 रुपये का, वहाँ से सडनली स्टॉक में गिरावट आती है। ठीक है, 3600 रुपये के लेवल के आसपास का अपना एक सपोर्ट बनाता है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी समय तक क्या करता है, टाइम बिताता है। अब 15 मिनट का कैंडल चार्ट है तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टॉक समय बिता रहा है। ठीक है, उसके साथ ही स्टॉक में मोमेंटम जो है, ठीक है, आप देख सकते हो इतना अच्छा। फिर उसके साथ अगर आप देखें आज की डेट में मार्केट यहाँ से चालू होता है, ठीक है, मतलब मिड से, मतलब क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग लेता है ना, तो एक्सपेक्टेशन था कि गैप अप ओपनिंग जो लिया उसको फिल करने आएगा, मतलब यहाँ तक उसको यहाँ से रिवर्सल लेना था, लेकिन नहीं। लेकिन दोस्तों जो उसके थोड़ी सी नीचे अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था आज की डेट में, जैसे 3600 रुपये का, उसने अपने इम्पोर्टेंट लेवल को सम्मान दिया। उसके बाद एक सिंगल कैंडल में स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट लेवल के पास आ गया जहाँ से आज की उसने शुरुआत की थी। यहाँ पर टाइम बिताया, मतलब सस्टेन कर रहा था। समय कितना हो गया था, समय हो गया था दोस्तों 12 बजे के बाद का। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन बन रही थी, ठीक है, या तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, या हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि 12 बज चुकी थी, सस्टेन कर रहा था आप देखिए, और क्या हुआ दोस्तों, बड़ा सा ब्रेकआउट मिला, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट मिला। और वो ब्रेकआउट कंटिन्यूसली दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल थे, जैसे कल का आप देख सकते हो ये वाला लेवल, उसको भी यहाँ पर ब्रेक करके बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन पे आ चुका है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया मोमेंट देखने को मिला। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हुआ। ये देखिए, यहाँ पर ये कल यहाँ पर ख़त्म हो गया था, लेकिन आज इसने इसको पूरा किया गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, फिर इसको वापस नीचे आया और फिर बढ़िया से दोस्तों इसको क्या किया, पूरा किया। अभी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो ये यहाँ तक जाने को तैयार है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न अभी पूरा करेगा। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर हम प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस में भी आप देख सकते हो इस लेवल पे कितना ज़्यादा स्टॉक ने समय बिताया था। ठीक है, आप देखिए उसके साथ ही स्टॉक अभी कहाँ पर क्लोज हुआ है, ये वाली लाइन के ऊपर, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल थे ना स्टॉक ने सबको ब्रेक कर दिए ऊपर के साइड में। ठीक है, तो स्टॉक को बढ़िया से हम बाय करके चलेंगे। क्या है लेवल स्टॉक के वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टॉक को हम 3695 रुपये से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग 3715 रुपये का, मतलब हमारा 20 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हैं और 3685 रुपये का हमारा SL लगा सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे। और उसके साथ ही दोस्तों आप हमारा प्रॉफिट गुरु F&O कॉल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत ही शानदार लेवल्स देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आज भी बैंक निफ्टी का कॉल दिया था जिसमें बढ़िया से हमें मोमेंटम होते देखने को मिला है। तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और ये है हमारा दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, आप सेकंड स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सेकंड स्टॉक है हमारा ट्रेंड लिमिटेड का। ट्रेंड लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में स्टॉक में करीबन 3-3.5% की तेजी देखने को मिली।
और स्टॉक 1113 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। इसका प्रीवियस क्लोज था 1073.55 रुपए, सेम प्राइस पे ओपन होता है, 1122 रुपए का हाई लगाता है और लो भी दोस्तों सेम प्राइस का ही लगाता है। ठीक है, वॉल्यूम देखेंगे तो करीबन 736,000 क्वांटिटी का हमें वॉल्यूम देखने को मिला स्टॉक में। उसके साथ ही देखें डिलीवरी पैटर्न, तो स्टॉक का जो डिलीवरी पैटर्न है लगभग 28% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अब इसके भी टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब आज की डेट में स्टॉक का मोमेंटम था वो बहुत ही स्मूथ हमें देखने को मिला। जैसे कि शुरुआत दोस्तों ये यहाँ से होती है स्टॉक की, ठीक है, इस लेवल के आसपास से, मतलब ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास से शुरुआत करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी, मतलब 15 मिनट का इसका भी कैंडल चार्ट, मतलब एक कैंडल में ही स्टॉक दोस्तों अपना जो टाइम बिता हुआ लेवल था ये वाला, इसको वो ब्रेक कर देता है। सेकंड कैंडल दोस्तों उसको सपोर्ट बनाने आती है, थोड़ा सा सम्मान देने के लिए यहाँ पर टाइम बिताते हैं, लगभग आधे से पौन घंटा यहाँ पर टाइम बिताते हैं। चार कैंडल बना है, मतलब दोस्तों एक घंटा पूरी तरीके से यहाँ पर टाइम बिताया। ठीक है, और वो वेट क्या कर रहे थे कि ये वाला जो लेवल है, मतलब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो कैंडल है इसका जो हाई है वो हम इजीली तरीके से ब्रेक करें, आराम से ब्रेक किया। प्रीवियस में दोस्तों जो लेवल थे, ठीक है, प्रीवियस में जो लेवल थे मतलब दोस्तों 1110 का, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी करीबन काफ़ी समय स्टॉक ने टाइम बिताया और यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक ने इस लेवल के, मतलब इस 10 पॉइंट के दायरे में काफ़ी देर तक स्टॉक ने समय बिताया। ठीक है, सेम कंडीशन आ गई थी दोस्तों बजाज ऑटो के जैसी, समय हो चुका था 12 बच्चे की थी और सस्टेन कर रहा था। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर स्टॉक दोस्तों इस प्रकार से अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास सस्टेन कर रहा है, ठीक है, और सस्टेन कर करके उसने 12 बजा दी है, 12 बजने के बाद दोस्तों आप लोग एक पॉइंट को नोट करिएगा, या तो आपको वहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा और उसमें आपको 101% सक्सेस मिलेगी। अगर यही सिचुएशन 12 बजे से पहले होगी तो दोस्तों उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही था, ठीक है, होप लगा के बैठे थे कि ब्रेकडाउन आएगा क्योंकि स्टॉक सडनली नीचे भी आ रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, बढ़िया से यहाँ सपोर्ट मिला और स्टॉक ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, मतलब इंट्राडे मार्केट के लिए 15-20 पॉइंट का जो टारगेट है वह आराम से अचीव हुआ। ठीक है, जो 1120 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल था वो स्टॉक ने क्या किया, टेस्ट किया, क्योंकि प्रीवियस में भी अगर देखेंगे तो यही लेवल स्टॉक के बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिले, इसी के अकॉर्डिंग हमने इस लेवल को भी ड्रॉ किया है। ठीक है, अब वो क्या हुआ है दोस्तों, स्टॉक यहाँ पर टाइम बिताने के बाद नीचे तो आ गया, मतलब दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही थी, या तो ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, खाली 10 पॉइंट के दायरे में स्टॉक ने क्या किया, अपना पूरा ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कल की डेट में छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी लेता है या गैप डाउन भी लेता है, मोमेंटम स्टॉक में अच्छा है, ट्रेंड भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा स्टॉक में देखने को मिला, तो आराम से स्टॉक को हम बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है स्टॉक के लेवल वो हम देख लेते हैं। तो स्टॉक के लेवल देख सकते हैं आप लोगों को दोस्तों, इस स्टॉक को 1122 रुपए से बाय करना है। ठीक है, और लगभग 1140 मतलब 15 पॉइंट का अपना टारगेट लगाना है और 1118 रुपए मतलब दोस्तों लगभग 7-8 पॉइंट का अपना SL लगाना है। ठीक है, इस हिसाब से अपने को ट्रेंड में पोजीशन बनाना है। ट्रेंड और बजाज ऑटो दोनों का हमने टारगेट और SL प्रोवाइड किया है, और आप लोगों को अगर बीच में भी दोस्तों प्रॉफिट बुक करने का लगता है कि अगर मुझे 2 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, 3 पॉइंट का दिख रहा है, 4 पॉइंट का दिख रहा है, तो आप प्रॉफिट भी बुक करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा टारगेट मिस हो जाता है, जैसे 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे से टारगेट मिस हो जाता है, उसके बाद स्टॉक रिवर्सल देके या तो कॉस्ट पे आ जाता है या कॉस्ट के भी नीचे चले जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इससे अच्छा ये कि पोजीशन बनाने के बाद हमें करेंट में जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसको बुक कर ले तो हमारे लिए बढ़िया रह सकता है। और साथ में बताना चाहूँगा कि हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया, आपका भी आप टेक्निकल एनालिसिस जो है दोस्तों वो लगा सकते हैं। और साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बढ़िया से हेल्प सेंटर भी ओपन है, डेली बेसिस पे से बेहतरीन कॉल्स देते हैं। साथ में देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है, यही टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछना है तो बढ़िया से जाइए यहाँ पर दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, बढ़िया से हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये था दो कल के लिए बेहतरीन इंट्राडे की टिप्स, और अब यही बोलूंगा कि इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।